अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे, कभी तो बता दिया करें। खैर, आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ हैक्स। काफ़ी लोग देखते हैं और अगर वो ये ट्राई कर रहे होंगे तो मैंने सोचा पहले मैं ट्राई कर लूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए कि कौन सा हैक सही है और कौन सा नहीं। चलें ट्राई करते हैं। हैक वन आप लोगों ने देख लिया, अब मैं ये ट्राई करने जा रही हूँ। इसमें ये होता है कि हम नेल पेंट लगाते हैं, हमारी नेल पेंट हो जाती है ख़राब, तो हम लोगों ने पानी में हाथ डालकर जो नेल पेंट ख़राब हुई है उसको दोबारा से सही कर लेना होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। नेल पेंट लगा ली मैंने, मेरी तो ख़राब ही नहीं हो रही, चलें ख़राब करते हैं। ओह ख़राब हो, नहीं ये तो कम ख़राब हुई है, और थोड़ा सा ख़राब करते हैं। हाँ अब सही है, चलें पानी में डाल के देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसको इसी तरीके से करी, ओ ये तो हो गया वाकई में सही हो जाता है, लेकिन इतनी फिनिशिंग लुक नहीं आती, बट है अच्छा। ये गीली होगी तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वर्क करता है ये। आप ट्राई कर सकते हैं इस हैक को, अगर आपकी नेल पेंट खराब हो जाए पानी में हाथ डाल के ट्राई। तो आप लोगों ने देखा उनकी नेल पेंट सूख ही नहीं रही थी, तो फिर एंड में उन्होंने क्या किया, ठंडे बर्फ पानी में डाल दी उंगलियां। चलें हम भी ट्राई करके देख लेते हैं, पहले मैं नेल पेंट लगा लूं, हम भी ट्राई करते हैं क्या वाकई में ऐसा होता है। तो मैंने कर ली है नेल पेंट ट्राई, अब मैं इसमें बिल्कुल ठंडा पानी डाल रही हूँ, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, बहुत ठंडा है ये, और अब मैं डाल देती हूँ इसमें 1 मिनट वेट करना है उन्होंने कहा है, लेकिन मैंने 1.5 मिनट वेट कर लिया था, ठीक है। लेकिन इतना ठंडा पानी था, मैं आपको ये कहूँगी कि जो लोग ठंडे पानी को बर्दाश्त कर सकते हैं 1 मिनट तक वो कर लें, बहुत ठंडा पानी था कि जम रहता है हाथ, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, और इतने ही ठंडे पानी में होगी वरना ये नहीं होगी। ओह ये तो उतर गया कुछ, अब ये जो है अंगूठे की बिल्कुल सही हो गई, बाकी जो है उतर रही थी कुछ। बहुत ठंडे पानी में आपको रखना पड़ेगा, तो मैं इसको 4/10 मार्क्स दूंगी। पे जी ने हमारा रिमूवर जो है वो हो गया ख़त्म, तो इन्होंने क्या किया है, सिरका डाला है और उसमें लेमन डाल दिया, तो इनका रिमूवर बन गया नेल पेंट रिमूवर। मैं भी बना रही, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं बना रही, जो मुझे चेक करना है, तो मैंने 1 चम्मच वेनेगर ले लिया और उसमें थोड़ा सा लेमन डाल दिया। अब चलिए ट्राई करते हैं कि नेल पेंट उतरती है कि नहीं। हाँ कुछ ज़्यादा ही कम बना लिया, चलिए ट्राई करते हैं। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं सोचा शायद मैंने कम डाला है वेनेगर, मैंने और वेनेगर डाल दिया और लेमन डाल दिया। दोबारा मैं कर रही हूँ उसको, कर रही हूँ, करते जाएं करते जाएं, नहीं हो रहा रिमूव, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब ओफो। हाँ ये हो गया है, देखें वाह क्या रिमूवर है हमारा। चलें थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और करके देख लेते हैं शायद जो है ये, वाह कोई 15-20 मिनट बाद जो है आपके इस तरीके से 1-2 नाखूनों पर से उतर जाएगा नेल पेंट। ट्राई कर लें,
बहुत फालतू टाइम हो तो उसको ट्राई कर लें आराम से, आप लोग भी कर लें, क्या पता मुझसे ना हुआ आपसे हो जाए। लास्ट है, ट्राई कर रही हूँ, मैच हो जाती है नेल पेंट, तो चले मैं भी लगा के देख ही लेती हूँ कि क्या होता है। घर बैठे बैठे सिर्फ भाप से जो है मेड नेल पेंट आपको मैसर हो जाए तो क्या जरूरत है आपको नहीं खरीदने की। चले देखते हैं क्या होता है। मैंने थोड़ा जल्दी में लगाई है हर नेल पेंट तो वो थोड़ी सी ऐसी लग गई है उल्टी सीधी, तो उस पर मत जाइएगा, हमें हैक्स देखने। तो रख दें आप अपना हाथ जो है, मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था और अब मैं जो हूँ भाप ले रही हूँ, मेरा पूरा हाथ जो है पसीने में हो गया है। ये देखें मैट लग रहे मैट, हाँ थोड़ा बहुत तो है, हो जाता है ऐसा, कर लें ये भी पागलपन। बिफोर आफ्टर दिखा देती हूँ, ये देखें बिफोर और आफ्टर। चले आप लोग के लिए गेस गेम है, इन चार नेल पेंट में से आपने पहचानना है कि कौन से दो हैं वो मैट हैं, और कमेंट में बताएं।